हमारी बगिया के सारे मित्रों को असीमानंद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो है अपने गार्डन की शुरुआत करेंगे अपने छत के अरेंजमेंट से कि किस तरीके से मैंने अरेंजमेंट किया है। तो पूरे छत को तो इस समय दिखाना संभव नहीं होगा एक साथ, क्योंकि वीडियो उससे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं छत का एक पोर्शन ही आपको दिखा पाऊँगा जो हमारा पूरब साइड है, किस तरीके से मैंने अरेंजमेंट जो है कर रखा है। और पूरे छत को थोड़ा सा एक लुक आप देख सकते हैं, लेकिन एक एक पौधों के पास ले जाना इस एक एपिसोड में संभव नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं कई पार्ट में बनाऊंगा। अभी ये पहला पार्ट ही है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से छत में मैंने गमलों को अरेंजमेंट किया है। इधर कई दिनों से मैंने छत का कोई वीडियो नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं दोस्तों इन्हीं सब काम में लगा हुआ था और रिपोर्टिंग में भी लगा हुआ था। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने कोलियस को यहाँ पर रख दिया है। ये सारे जो प्लांट्स थे मेरे नीचे थे, और अब जो है इनको मैं छत के ऊपर लेकर के आया हूँ, क्योंकि वो जगह जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था मुझे। बार बार पॉट से गिरने की संभावना वहाँ बनी रहती थी, तो इस तरह से इन सभी पॉट्स को यहाँ पर मैंने इस तरीके से अरेंज किया है छत के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे पॉट्स एक दूसरे के पास लगे हुए हैं। ये दोस्तों कई तरह के कोलियस इसमें हैं, और ड्रेसिना का प्लांट भी इसमें है। इसके अलावा भी कई सारे दोस्तों प्लांट्स यहाँ पर है, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी है, और इसके अलावा सिंगोनियम का प्लांट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट मैंने अपने छत का कर रखा है। देखिए जो बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के नीचे जो है एक लकड़ी का जो फंटी जिसको आप कहते हैं, जो बचा हुआ था मेरे पास पहले का, तो उसको मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। ये सब पुराने पुराने बचे हुए चीज़ों से ही दोस्तों मैंने काम किया है। इस तरह से ड्रिल से मैंने जो है सब जगह होल कर लिया दीवार में, और होल करने के बाद जो मेरे पास पुराने इस तरह के लोहे के टुकड़े या जिसको आप वॉल ब्रैकेट्स कह सकते हैं, वो मेरे पास पहले का था, तो उसको मैंने यहाँ पर कील के हेल्प से लगा दिया पहले। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ड्रिल से मैंने इसको छेद किया था पहले, और वहाँ पर जो है जो गिट्टी आती है प्लास्टिक की, उस गिट्टी को लगाया, और उसके बाद कील की हेल्प से जो है ये जो वॉल ब्रैकेट्स है उसको पहले मैंने लगा दिया। और इसको लगाने के बाद जो है उसके ऊपर से जो पुरानी जो फंटी है जो इस तरह के लकड़ी का होता है, वो मेरे पास कुछ बचा हुआ था, तो वो मैंने जो है यहाँ पर उसको लगा दिया है, और बड़े अच्छे से ये फिट हो गया। और देखिए इस तरह से पुराने लोहे के रॉड का भी मैंने यूज़ किया था, तो ड्रिल करके सारा ये किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, और कोई भी खर्चा इसमें दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे घर में पहले से ही पुरानी पुरानी चीज़ें मौजूद थी। और हालांकि मुझे प्लास्टिक शीट से ऊपर से इसको कवर करना, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक शीट अभी मेरे पास नहीं थी, लेकिन वीडियो मुझे बनाना था तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। और मैं जल्दी जो है इसके ऊपर प्लास्टिक की एक शीट भी लगा दूंगा, जिससे पानी जो है बारिश का वो भी इसमें नहीं लगेगा, और ये जो लकड़ी की फंटी है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पौधों का अरेंजमेंट है, और यहाँ पर जो है कोलियस का प्लांट है सबसे पहले, और उसके बाद ये जो है बिल्कुल तेज पत्ते की तरह लगता है, लेकिन अभी तक मुझे इसका नाम नहीं पता चल पाया है। तो आपको अगर पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा कई सारे और प्लांट्स हमने यहाँ पर लगा रखा है। सिंगोनियम है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है। इसके अलावा कोलियस के प्लांट तो है ही है, यहाँ पर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, और ये जो है ड्रेसिना की ही एक वैरायटी होती है।
तो देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस दीवार से बाहर के साइड भी गिरने का कोई ख़तरा नहीं है, और इस साइड से मैंने जो है एक अच्छी खासी मज़बूत रस्सी इस तरह से लगा दी है। एक डोर है प्लास्टिक की, और इसको डबल करके मैंने लगा दिया है ताकि हवा वगैरह अगर चले तो भी ये पॉट नीचे ना गिरे। तो इस तरह से दोनों साइड से जो है ये पूरी तरह से कवर हो चुका है, और इस पॉट को गिरने की कोई भी संभावना नहीं है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक का पुराना मेरे पास डिब्बा था, उसका मैंने यूज़ करके इस प्लांट को लगाया है। ये कोर्डिलाइन फ्रूटिकोसा है और ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट में भी कई वैरायटी होती है, तो उसी की ही एक वैरायटी ये है। और ये ज़्यादा ग्रीन है, और किनारे से देखिए वाइट कलर का जो लाइन है वो दोनों तरफ से है। इसके अलावा ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इन सब के ऊपर जो है मैं बाद में आपको बताने के लिए पूरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ पर फिर से ड्रेसिना स्पाइगर प्लांट, सॉरी, और ये भी मेडिसिनल प्लांट है। तो कई सारे मेडिसिनल प्लांट भी मेरे इस गार्डन में हैं, और जिसका कि बहुत सारा यूज़ हमारे घर में होता ही है। और यहाँ पर ये लेमन ग्रास को भी आप देख सकते हैं, और इनकी पत्तियों को चाय में हम जो है बीच बीच में डाल करके पीते हैं, तो चाय का स्वाद भी इससे काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत अच्छी खुशबू आती है चाय से। और इस तरह से यहाँ भी मैंने जो है एक कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा इसको लगा रखा है। तो ये दो पौधे मेरे पास इसके थे, तो इस तरीके से दीवार के दोनों साइड में मैंने जो है लगा दिया। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कोलियस का एक प्लांट है, और इसको मैंने दीवार पर कील के सहारे हैंग कर दिया। और इसको मैंने जो है जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उससे हैंगिंग पॉट बना करके उसके अंदर लगाया। दोस्तों मुझे कलर करने का भी टाइम नहीं मिला था, तो मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। और ये टर्टल वाइन आप देख सकते हैं, और ये भी उसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में है। और इसको मैं जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं इसके बॉटल में जो है कलर कर दूंगा, जिससे ये पॉट और भी सुंदर लगेगा। देखिए कितना घना हो रहा है, और एक ही डंडी इसकी तोड़ करके मैं कहीं से लाया था, और देखिए कितना सारा पौधा बन गया है। और मैं जो है इसको तोड़ तोड़ करके अब दूसरे पॉट्स में भी लगाने वाला हूँ। और देखिए टर्टल वाइन की और एक वैरायटी है, और इसका भी छोटा सा एक दो टुकड़ा मैं लाया था, और उसको लगाने के बाद बिल्कुल बॉल के जैसा शेप मेरे इस बॉटल से बने हैंगिंग पॉट में हो गया है, और बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, और इसको जो है देखिए किस तरीके से हैंग कर रखा था मैंने। यहाँ एक होल बना रखा है बॉटल में, और इसको हाथ में लेकर के मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कितना प्यारा है। और यहाँ से भी मैं लेकर के दूसरे कई सारे पॉट्स में और भी पौधे आसानी से बना सकता हूँ। और अगर इस बॉटल में थोड़ा सा पेंट कर दिया जाए तो इसकी खूबसूरती जो है और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम की कमी मेरे पास हो रही थी, कई सारे काम भी मेरे थे तो उसको भी निपटाना है, और बागवानी तो है ही है तो इसको भी बीच बीच में करना ही है। बीच बीच में क्यों, लगभग डेली जो है कुछ ना कुछ होता ही रहता है काम। आपको तो पता ही है कि जब हम गार्डन में होते हैं तो कई सारे काम हमें होते हैं। दोस्तों ये चीड़ का प्लांट आपने देखा, और यहाँ पर जो है जामिया क्यूमिला या कुंटाई पाम इसे कहते हैं। इसकी लीव्स जो है काफ़ी हार्ड होती है, और जो स्टेम्प होते हैं वो भी काफ़ी हार्ड होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है पॉट्स के अंदर। तो इसको भी यहाँ मैंने लगा रखा है। दोस्तों ये एक ऐसा एरिया है जहाँ शेडी एरिया इस समय रहता है, क्योंकि पीछे जो है काफ़ी सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो उसकी छाया यहाँ पर रहती है। तो इसी वजह से ये जो इंडोर प्लांट है या जो सेमी शेड में रहने वाले प्लांट है उसको मैंने जो है इस कॉर्नर में यहाँ अरेंज किया है। तो इस तरह से आपके पास भी जो पॉट्स हैं उसको आप जो भी इंडोर प्लांट है या सेमी शेड में रहने वाले पौधे हैं उनको छायादार स्थान पर
या जहाँ सुबह बहुत कम धूप आती है ऐसे जगह पर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है कि यक्का का प्लांट है, तो इस तरह से ऊपर मैंने रख दिया है। और देखिए उसके बाद ये बोगनवेलिया है, तो बोगनवेलिया के भी कई सारे तीन चार कलर जो है मेरे पास है इसमें। तो यहाँ पर ये वाइट और रेड कलर का जो बोगनवेलिया है, एक्चुअली दो प्लांट इसमें मैंने एक साथ लगा रखा है। उस समय मेरे पास पॉट्स नहीं थे तो एक ही के अंदर डाल दिया, लेकिन दोनों मिक्स कलर में भी जो है बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें फ्लावरिंग जब आती है, और इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है, और इसको भी मैंने कुछ दिन पहले जो है रिपोर्ट किया। तो दोस्तों अभी मैं कुछ दिनों से रिपोर्टिंग में ही लगा हुआ था, तो इस वजह से वीडियो आपके लिए नहीं बना पा रहा था। तो अब जो है लगभग रिपोर्टिंग मैंने कर लिया है, और आप भी इस समय रिपोर्टिंग जो है अपने पौधों की कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं एक नए अंक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।